हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद रेनू में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है यूपी स्टाइल में हरी मटर का यानी ताज़ी मटर का निमोना बनाने की। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, चावल के साथ तो इसका स्वाद और ही बढ़ जाता है। तो आज हम बिल्कुल देसी तरीके से मटर का निमोना बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मटर का निमोना बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर ये मैंने 300 ग्राम हरी मटर के दाने लिए हैं। मटर के दाने लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जो दाने, ये देखिए, कच्चे होते हैं, यानी जो मटर के दाने खाने में मीठे लगते हैं वो आपको लेने हैं। पकी हुई मटर आपको नहीं लेनी है, उससे आपका निमोना टेस्टी नहीं बनेगा। तो जब भी आप निमोना बनाने के लिए मटर लें तो ध्यान रखें कि वो मीठी होनी चाहिए। 3 यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, इनको मैंने छील लिया है, धो लिया है। 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कट किया हुआ, साथ में ही हमने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, इसको मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। 5 से 6 लहसुन की कली, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको भी मैंने इस तरह से कट कर लिया। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो लहसुन और प्याज आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है, इसको साफ करके मैंने धो लिया है। मिर्च यहाँ पर थोड़ा सा, ये बड़े साइज़ की है इसलिए मैंने 1 ही ली है। मिर्च का अमाउंट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जो ये मटर का निमोना हम बनाते हैं, थोड़ा सा जब ये चटपटा होता है तभी अच्छा लगता है। मसालों में हम 1 पिंच हींग का यूज़ करेंगे, 1/4 चम्मच जीरा, जीरा हमें बहुत थोड़ा ही लेना है, 1/4 चम्मच। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर भी इसमें हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जब इसका कलर हरा रहता है तभी ये देखने में अच्छा लगता है। 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, नमक स्वादानुसार, और आधा कप यहाँ पर मैंने शुद्ध सरसों का तेल लिया है। जब भी आप मटर का निमोना बनाएं तो उसको सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत टेस्टी लगता है। अब हमने एक मिक्सी जार ले लिया है, इसमें जो हमने ये मटर ली है इस मटर को डाल के हम दरदरा पीस लेंगे। थोड़ी सी मटर हम इसमें से बचा लेंगे, इसको हम ऐसे ही डालेंगे। तो कोशिश करें कि मटर पीसते समय पानी का यूज़ बिल्कुल ना करें, मिक्सी को थोड़ा थोड़ा रुक के चलाते हैं। ये देखिए, मटर को हमने इस तरह से पीस के तैयार कर लिया है, और इसको पीसते समय हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम जार हमने दोबारा से ले लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे प्याज, लहसुन, अदरक, और जो हमने ये हरी मिर्च ली है इसको भी हम कट करके डाल देंगे। साथ में ही जो हमने धनिया लिया है इसको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। साथ में ही इसमें मैं 1 छोटी चम्मच, आप देख सकते हैं कितना पानी मैं ऐड कर रही हूँ, 1 छोटी चम्मच पानी भी ऐड कर रही हूँ, जिससे कि आसानी से पिस जाएगा। इसको हम पीस लेते हैं। देखिए, लहसुन, प्याज, अदरक और हरी मिर्च को भी हमने इस तरह से पीस के तैयार कर लिया है, तो इसको भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हमने जो आलू लिए हैं इनको हम पतला पतला इस तरह से लंबाई में कट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसकी जगह उबले आलू भी ले सकते हैं, लेकिन ये कच्चे आलू से बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से हम इसमें आलू कट करके डालेंगे। तरह से हमने अपने सारे आलू कट करके तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर देते हैं, और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल, इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम अब हम लो और मीडियम कर लेंगे, और इसमें जो हमने आलू काट के तैयार किए हैं इनको डाल के हम फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम आलूओं को पलटते रहेंगे, जिससे कि ये दोनों साइड अच्छे से फ्राई हो जाएंगे।
गैस की फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। ये देखिए आलूओं को हमने पलटते हुए दोनों साइड से हल्का सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लिया है। आलू अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो इनको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये देखिए आप देख सकते हैं कि आलूओं ने ज़्यादा जो तेल है वो एब्जॉर्ब नहीं किया है, फ्राई होने के बाद जो तेल है वो छोड़ देते हैं। ये देखिए तो बहुत कम तेल एब्जॉर्ब किया है आलूओं ने, लेकिन इनको फ्राई करते समय थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डालना पड़ता है। अगर हम कम डालेंगे तो ये जलने लगेंगे, अच्छे से फ्राई नहीं होंगे। तो इनको हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये देखिए ऑयल अभी इसमें काफ़ी बचा हुआ है, तो इसमें से हम आधा ऑयल ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में, आधा हम इसी में रहने देंगे। इसमें से हमने आधा ऑयल निकाल दिया है, ये देखिए इसमें इतना ही ऑयल है पैन में। अब हमने जो ये मटर दरदरी पीस के तैयार की थी इसको हम पैन में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इस मटर को भी भून लेते हैं। हमें अच्छे से भूनना है इसको, गैस की फ्लेम हमें हाई बिल्कुल नहीं करनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर बराबर से हम इसे पलटते हुए भूनेंगे और हमें मटर को अच्छे से भूनना है। ये देखिए जैसे जैसे मटर हल्की सी भुनती जाएगी आप देखेंगे कि अलग अलग सी होने लगी है, तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से थोड़ा सा और भून लेते हैं। ये देखिए मटर अच्छे से भुन गई है और इसकी पहचान यही है कि जब ये अच्छे से भुन जाती है तो आप देखेंगे ये बिखरी बिखरी सी हो जाती है। इसको हमने मीडियम फ्लेम पर ही भुना है और निमोना बनाते समय ये बहुत ज़रूरी है कि मटर अच्छे से भुन जाए, तभी आपका निमोना टेस्टी बनेगा। तो एक गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम पैन हमने दोबारा से ले लिया है, गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, जो ऑयल हमने निकाल दिया था इसमें से उसको हम दोबारा से इसमें डाल देते हैं और गर्म होने देते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, गैस की फ्लेम हमने लो कर दी है, तो इसमें हम डाल देंगे हींग, जीरा। जीरा हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कुछ सेकंड्स के लिए हम जीरे को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन प्याज और हरी मिर्च का जो ये पेस्ट बना के तैयार किया था इसको डाल देते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको भी 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते हैं कि इससे जो है तेल अलग होने लगा है, अच्छे से भुन गया है। इसको भूनने में हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लगा है और हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही भुना है। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर आपको बहुत थोड़ा सा ही लेना है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सारे मसालों को मिक्स करते हुए हम कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें भी भून लेते हैं, जिससे कि जो भी हल्दी का कच्चापन है वो निकल जाएगा। मसालों को कुछ सेकंड्स भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर कटे हुए लिए हैं। टमाटर आप इसमें पीसीज में ही कट करके लें, इसका पेस्ट बिल्कुल भी ना बनाएं, तभी इसमें टेस्ट अच्छा आता है। मिक्स कर लिया, साथ में ही जो हमने थोड़ी सी मटर बचा ली थी इसको भी हम डाल देते हैं टमाटरों के साथ में ही और मिक्स कर लेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें 1 पिंच के लगभग नमक भी ऐड कर देंगे, जिससे कि ये जल्दी से पक जाएंगे। मटर हमारी बहुत सॉफ्ट है तो इसमें पानी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है, ये मसाले के साथ ही 2 से 3 मिनट में पक जाएगी। तो इसको हम गैस की फ्लेम कर लेंगे लो और मीडियम, 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो अब हम चेक कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से मैश हो रहे हैं, पक गए हैं टमाटर। और इसी तरह से हम मटर भी दबा के देखेंगे तो ये देखिए मटर भी गल गई है।
मिक्स कर लेते हैं एक बार और इसको अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब हमने जो ये मटर फ्राई करके रखी थी इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ही जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे उसको भी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम हमने लो कर दी है। मिक्स कर लेते हैं मसालों के साथ में अच्छे से। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने मसालों के साथ में सारी चीज़ों को। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो उतना पानी आप ऐड करें। ये देखिए इस गिलास से मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। तो आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो आप उतना ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो निमोना है ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना बहुत ज़्यादा पतला होता है। गैस की फ्लेम अब हम हाई कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्वादानुसार नमक। थोड़ा नमक जब हमने मटर और टमाटर इसमें ऐड किए थे उस समय भी ऐड किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको हम कवर करके 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ये देखिए तो हमारा ये निमोना बनके तैयार है। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसमें लास्ट में हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच ही लिया है। मिक्स कर लेंगे और इसको हम एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा ताज़ी हरी मटर का ये यूपी स्टाइल में निमोना बनके तैयार है। ऊपर से इसमें हम हरा धनिया बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि हरा धनिया हम पहले ही मसाले के साथ पीस के इसमें ऐड कर चुके हैं। ये रोटी और पराठे के साथ तो टेस्टी लगता ही लगता है, ये चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।